बिरला, सानरे और बाकी साथियों ने मिलकर उनके इस इरादे को नाकाम कर दिया और उनके दो सिपाहियों को मार गिरा। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर खुद गया मुंडा को गिरफ्तार करने पहुंचे, जिनका सामना करने के लिए घर के लोग, महिलाएं और बच्चे बाहर आ गए और सबने मिलकर बड़ी मजबूती से अंग्रेज सिपाहियों का मुकाबला किया। और ये मुकाबला बहादुरी की एक मिसाल के तौर पर देखा गया। अपने समाज को अंग्रेजों के दिए हुए दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए बिरसा नामक सूरज का उदय हुआ। शिक्षित बिरसा अपने समाज के मूल्यों के साथ साथ सरकार की नीतियों, युक्तियों और चालों की भी समझ रखते थे। उनको समझ आ गया था कि पीड़ा का हल अंग्रेजों और बाहरी लोगों को पूरी तरह से बाहर निकालकर और मुंडा राज स्थापित करके ही होगा। पराक्रम के बल पर अंग्रेजों को शिकस्त दी। यहाँ तिलमिलाए सिपाहियों ने लाशें बिछा दी, फिर भी वो बिरसा को पाने में नाकाम रहे। फिर उन्होंने बीट और सर्च ऑपरेशन शुरू किया और बिरसा की गिरफ्तारी पर इनाम रखा। सरकार समाज को भय और यातनाएं देकर बिरसा तक पहुंचना चाहती थी और एक दिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गए। एक भगवान, एक योद्धा के नाम के साथ अपराधी जोड़कर उन्हें जेल में डाल दिया। अंग्रेजों की इस हिमाकत से वो टूटे नहीं, बल्कि उनके अंदर से एक मजबूत बिरसा बाहर आ गया। अपने भगवान को अपराधी के रूप में जेल में पड़ा देखकर समाज का आंदोलन और उग्र हो गया। अपने हाथ से नियंत्रण छूटते देख सरकार ने कायरता और दुस्साहस का परिचय देते हुए एक सूरज को अस्त करने का षड्यंत्र रचा। अचानक एक दिन खबर बिजली बन के पहुंची, भगवान बिरसा मुंडा की जेल में मौत। सरकार ने इस मौत का कारण बीमारी बताया, मगर इसके पीछे का सत्य ये है कि सरकार ने कायरतापूर्ण बर्ताव करते हुए भगवान बिरसा मुंडा को जहर देकर मौत दे दी। सूरज अस्त होता है उदय होने के लिए। बिरसा के विद्रोह का प्रभाव बहुत से बदलाव लाया। भगवान बिरसा के हाथों जली मशाल अब बड़ा रूप ले रही थी। सरकार को झुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था और परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। समाज की मूल व्यवस्था प्रणालियों को फिर से बहाल किया। सरकार ने समाज की समस्याओं के निवारण के लिए गुंडा
सब डिविजन बनाया। सरकार सीएनटी एक्ट 1908 लेकर आई, जंगलों में बाहरी लोगों के बसने पर प्रतिबंध लगा, नीतियों में सुधार करके समाज को उनकी भूमि के अधिकार वापस दिए गए। इसके बाद गुमला विष्णुपुर के जतरा टाना भगत की अगुवाई में एक और आंदोलन का जन्म हुआ। इस आंदोलन के विचार का आधार पूरी तरह से धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और अहिंसा की नींव पर टिका था। मदिरा और मांसाहार का त्याग करके ईश्वर की आस्था का हाथ थामे आंदोलन ने जमींदारों के साथ विद्रोह और सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाई। सन 1914 में इस आंदोलन का आधार रखने वाले जतरा टाना भगत, जो जीव हत्या के विरोध और अहिंसा के प्रचारक बने, एक बार पेड़ से अंडे उतारते हुए उनके हाथ से अंडे छूटे और उन्होंने अंडों में भूम देखा। तभी से उन्होंने स्वयं जीव हत्या का त्याग किया और इसके प्रचार में लग गया। फिर उन्होंने अपने इसी विचार को आंदोलन में अपनाया। भगत के इस अनोखे तरीके ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और देखते ही देखते हजारों लाखों लोग उनसे जुड़ गए। आंदोलनकारियों ने सरकार को भूमि कर देने का विरोध किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने जतरा टाना भगत को जेल में डाल दिया। सन 1916 में जतरा टाना भगत के मृत्यु के पश्चात भी यह आंदोलन उनके शिष्यों के नेतृत्व में न केवल जारी रहा बल्कि जिसका प्रसार भी बहुत तेजी से हुआ। सन 1920 में टाना भगत आंदोलन का महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के साथ जुड़ाव हो गया। राष्ट्रीय धारा में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में टाना भगतों ने बड़ी भागीदारी निभाई और आखिरकार आंदोलन अपने तय किए परिणाम तक पहुंचा। अंग्रेजों को मुंह की खानी और सन 1947 में उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। मेरे भीतर अपने जीवन को बलिदान करने वालों की ये गाथाएं नासूर बनकर पल रही हैं और मैं इस दुख को नियति मानकर जी रही थी। आज आपसे ये दुख बांटकर मन हल्का हो गया। भगवान बिरसा मुंडा के साथ सारे शहीदों के मेरे लिए समर्पण और त्याग ने मुझे गौरवान्वित तो किया ही है, साथ ही उनका जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा है और दिलों में दिया बनकर रोशन है। ये भगवान बिरसा मुंडा के चमत्कारी व्यक्तित्व का प्रभाव था कि उनके चित्र को भारतीय संसद में सम्मान देकर स्थापित किया गया और इस तरह इतिहास में आदिवासी समाज के स्वर्णिम काल का आरंभ हुआ।